जाने माने डॉक्टर राहुल गुप्ता स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जानेंगे डॉक्टर साहब से आखिर ये बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है, इस सब के बारे में। देखिए एसटीडी मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्शन जो है वो असुरक्षित जो संबंधों से जो फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। इसमें कुछ लोकल इन्फेक्शन हो सकती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, फफूंदी जिसकी जो है वो इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे को हो सकती है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हैं। इसके लक्षण क्या होते होंगे डॉक्टर साहब? देखिए हर बीमारी के अपने अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पर लोकल ये लोकली होती हैं और जेनाइटल्स में इसमें वाइट कलर की जो फफूंदी है वो जमनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ईचिंग और रेडनेस एरियाज़ में उस जेनाइटल एरियाज़ में हो जाती है। तो और जैसे हम गनोरिया की बात करते हैं तो गनोरिया में जो यूरिन पास करने वाला जो नली है उसमें से पस आनी शुरू हो जाती है। ये भी असुरक्षित जोन से फैलती है। फिर सिफिलिस होती है, सिफिलिस में एक जो शीशन के अगले अग्रिम भाग पे एक जो है फ्लूड जो एक छाले टाइप का बन जाता है, उसको वो बीच में से फिर वो उसका फटने से वो एक क्रेटर की तरह बन जाता है, जिसको कि सिफिलिस कहते हैं। ये सिस्टमिक की ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है। जैसे प्राइमरी में जनरली जो जो उसके लीजन्स हैं वो जेनाइटल्स में जो है दिखाई देते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हैं जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो भी फैल सकती हैं। फिर एचआईवी आ जाता है, जिसे कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, उसकी इन्फेक्शन जो है वो हो सकती हैं। क्या ऐसा हो?